हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। क्लास है आपकी 9th और वर्कशीट का जो नंबर है बच्चों वो है 31। डेट है आपकी 15 सितंबर 2020। एज यूजुअल आपको यहाँ पर बच्चों नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है आपको। इसके अंदर पूरे कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक का नाम है, ये एक पोयम दी हुई है विंड, हवा के नाम से। उसको हम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस बेल आइकन, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत और तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ को हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को। विंड कम सॉफ्टली, जो पोएट है जिसने पोयम लिखी हुई है ये बच्चों, उसका नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, नाम दिया हुआ है किन्होंने लिखी है ये, बाय सुब्रमण्या भारती। ठीक है, तो इन्होंने ये पोयम लिखी हुई है। यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, जो ये पोएट है, विंड कम सॉफ्टली, जो हवा है प्लीज वो आप सॉफ्टली आइए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के शटर्स है मतलब जो दरवाजे हैं उसको ब्रेक ना करिए, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर जो रखे हुए हैं अंदर घर में, हवा आएगी तो क्या होता है वो उड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं हवा को कि पेपर को इधर उधर ना करिए, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ के ऊपर बुक रखी हुई है उनको नीचे ना गिरिए। तो ये सारी चीजें जो है हवा को बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखिए आपने क्या कर दिया है, यू थ्री देम ऑल डाउन, आपने सारी चीजें जैसे कि सेल्फ के ऊपर बुक रखी हुई थी, पेपर बिखार दिया है, विंडो जो है वो उसके शटर खुल गए हैं, ये सब कुछ जो है वो खराब कर दिया है। ठीक है, यू आर टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स के जो पेजेस हैं वो फाड़ दिए हैं, यू ब्रॉट रेन अगेन, आपके आने से क्या है कि बारिश आ गई है दोबारे से, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग क्या होता है बच्चों, जो कमजोर लोग होते हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब ये हवा को बोल रहे हैं आप बहुत क्लेवर हो, जिससे आप जो कमजोर बंदे हैं उनको आप उनके साथ खेल रहे हो। ठीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, तो पॉइंट जो है हवा को बोल रहे हैं कि आपने जो है ना सारी चीजें का नुकसान कर दिया है, क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो कमजोर घर थे उनको आपने बिखेर दिया है, डोर्स को आपने इधर उधर कर दिया है, मतलब हवा तेज आने से क्या है दरवाजे भी टूट जाते हैं, राफ्टर्स जो मतलब राफ्टर्स होते हैं उसको भी आपने क्रम्बल कर दिया है, वुड मतलब लकड़ी की चीजें जो बनी हुई है उसको भी आपने क्रम्बल कर दिया है, बॉडीज मतलब शरीर जो है उसको भी तोड़ दिया है, लीव्स मतलब जिंदगी भी यू कैन से क्रम्बल कर दी है, एंड जो दिल है हार्ट्स है बंदों के वो भी आपने क्रम्बल कर दिए है। ठीक है, इतनी तेजी से आप आ रहे हो इसलिए बार बार कवि बोल रहे हैं कि कम सॉफ्टली। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल, जो हवा से बोल रहे हैं बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि हवा जैसे मतलब एक भगवान के रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान जो है इस हवा को स्लोली स्लोली आने दो, जिससे कि क्या है जो क्रशिज हो रहे हैं वो ना हो, और क्रशिज होते जा रहे हैं सारी चीजें। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, अब क्या कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं हवा को कि ये कुछ नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो, वो इस तरह का कोई भी चीजें ये परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो अब कवि क्या कह रहे हैं कि आप अपने घर को इतना मजबूत बनाइए, क्योंकि हवा जो है वो तो
अपने हिसाब से चलेगी। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि हवा कितनी भी तेजी से आए आपका घर टूटे ना, ठीक है, क्रम्बल ना हो। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, अपने जो दरवाजे हैं वो इस तरह से ज्वाइंटली करिए, इतनी मजबूती से करिए फैमिली, जिससे कि वो टूटे ना। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी जो बॉडी है उसको भी आप इतना प्रैक्टिस करा दीजिए जिससे कि उसको भी हार्म ना हो। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, जो दिल है उसको भी आप इस तरह से करिए कि वो इधर उधर ना जाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब होता क्या है बच्चों कि इस तरह से सारी चीजें आप कर लोगे तो जो हवा है वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी। जैसे कि कई बार होता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मानते नहीं है, मगर जब हम उन्हीं के हिसाब से चीजें कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल हमारे की तरह है, तो वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। पहले वो दुश्मन होते हैं, बाद में वो फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर कवि यही समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ के अंदर मुसीबत, चैलेंजेस और इस तरह की चीजें आती हैं, और ये सारी चीजों से अगर आप लड़ जाते हो तो वो ही आपके फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। वो चैलेंजेस जो है वो चैलेंज ना होके वो सॉल्यूशन बन जाते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, तो जो विंड है वो वीक हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो फ्रेंड बन जाएंगे, मतलब आपने जो चीजें थी उनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना ली सारी चीजें, जैसे कि आपने अपने घर मजबूत बना लिए, डोर्स के जो दरवाजे हैं वो भी प्रॉपरली आपने बना लिए, सब चीजें, हाइट भी आपने वो इधर उधर नहीं होने दिया, डगमगाने नहीं दिया, बिल्कुल इस तरह से कठोर बना लिया, ठीक है बच्चों। तो सारी चीजें आपने सही तरह कर ली, तो इससे क्या होगा, विंड जो है वो वीक हो जाएंगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो वो बिल्कुल मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फायर की तरह काम करेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, जो आपकी जो फ्रेंडशिप है उनके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रेज करेंगे कि विंड जो है इसी तरह से चलती रहे क्योंकि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारी चीजें बच्चों किसने बताई है, ये जो कवि है उनका नाम लिखा हुआ है सुब्रमण्य भारती, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर, क्या क्या क्वेश्चन हैं उसके हिसाब से आंसर देखेंगे जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है पोयम के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोयम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोयम, तो यही अभी लिखा हुआ है, ये सामने ही है आपके सामने। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सुब्रमण्य भारती, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, द डैश स्कैटर्ड द पेपर एंड थ्री डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, बुक जो है सेल्फ पे रखी हुई है उसको आप डाउन कर दिया है और पेपर को बिखेर दिया, ये किसने किया था, विंड ने। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट से, जो कवि कह रहा है अगर लोग उसी तरह से करेंगे तो विंड आपकी क्या बन जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है इसका डी, व्हाट डज द विंड गो डू 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 टू वीकलिंग्स, वीकलिंग क्या था, कमजोर लोग। तो जो हवा है वो क्या करती है कमजोर लोगों के साथ, फन करती है, पॉक फन एट क्रशिज, उनको बिखेर देती है, खराब कर देती है। डोंट स्पेयर देम, उनकी चीजों से बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, द पोएट आस्क पीपल टू, पोएट जो है लोगों से क्या कहता है कि आप अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बॉडी जो है वो फार्म द बॉडी करिए, हार्ट जो है वो स्टेड फास्ट करिए, तीनों चीज वो बोलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑल ऑफ देम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर एंड मेक्स डैश फायर रोर एंड फ्लरिश, ऊपर हमने देखा था विंड जो है वो वीक हो जाती है अगर आप इस तरह से करोगे तो वो वीक हो जाती है, वीक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, चेक करना आपको स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, ठीक है, इससे क्या है आपके रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोयम, आप
क्या सोचते हो कि जो हवा है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? हवा जो है वो एक चैलेंज की तरह है, बिल्कुल है, डिफिकल्टी है, बिल्कुल है, हार्डशिप है, वो भी है। तो ये क्या है, एक तरह का मतलब सारी चीजें इसमें एग्री कर रही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फार्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जो कवि है वो क्या सजेस्ट करता है कि हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए किस तरह से, ठीक है, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को हटाना चाहिए। तो इससे होगा क्या बच्चों, कौन सा आंसर होगा इसका? ब्रेवली होगा, रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभी, केयरलेस मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, कावर्डली मतलब कि उसको हटा देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेवली। क्यों? क्योंकि हमें ब्रेव तरीके से मतलब बिल्कुल हिम्मत के साथ चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द सिनोनियम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोयम। अभी हमने देखा था अनवेवरिंग का मतलब है कि जो वेवर नहीं होगा, तो उसका सिनोनियम हमें देखना है वो क्या होगा बच्चों, जो हाइट है हमारा वो स्टीड फास्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब और अनवेवरिंग का मतलब दोनों का एक ही है कि वेवर नहीं होता है, ठीक है बच्चों, इधर उधर डगमगाता नहीं है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनवेवरिंग और स्पीड स्टेट फास्ट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए कि जिससे कि आपको हर बार सॉल्यूशन मिलता रहे, और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप है सभी वर्कशीट को कम्प्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।